Hey guys, welcome back to my YouTube channel Bhupender Oja Vlogs. आज हम आपको जहाँ पर लेके जा रहे हैं वो बड़ी ही अल्टीमेट और यूनिक जगह है, फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज़ की वो फेवरेट जगह है जो कि उदयपुर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं पिछोला झील के बीच में स्थित ताज लेक पैलेस की, जो कि एक 5-स्टार होटल है। तो आज हम लोग ताज लेक पैलेस को अंदर से देखेंगे और उसका एक एक पार्ट का हम लोग जो है वो आनंद लेंगे। तो एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, एक और नई शुरुआत। तो करते हैं शुरुआत हमारे ब्लॉग की आपके प्यारे प्यारे प्यार के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो आप नहीं करते हैं, लेकिन कोई नहीं। और जब भी आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को जो है वो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये जानकारी जो कि वहाँ पहुँचने वाले हैं उदयपुर के अंदर, तो उन तक भी पहुँच सके कि क्या देखने लायक है और क्या नहीं देखने लायक। तो चलते हैं, तब तक जब तक हम ताज लेक पैलेस के अंदर पहुँचते हैं तब तक आप इंट्रो देख के उसका आनंद लीजिए। और हम जल्दी ही पहुँचने वाले हैं ताज लेक पैलेस के अंदर, तो बने रहिए हमारे साथ में। बाय तब तक के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ताज लेक पैलेस जो कि उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में पिछोला झील के इंडिगो वाटर में तैरता हुआ ताज लेक पैलेस दुनिया के सबसे आकर्षक और सबसे रोमांचक होटलों में से एक है। यह पैलेस क्रिस्टल के साफ पानी पर तैरता हुआ प्रतीत होता है और यह सभी भव्य सजावट से सुसज्जित है और चारों ओर से अर्ध कीमती पत्थरों से सजा हुआ है। ताज लेक पैलेस होटल के बारे में मेवाड़ शासक महाराणा जगत सिंह का शानदार ग्रीष्मकालीन महल था, जो रीगल आकाल में मनोरंजन के लिए बनाया गया था, जिसे अब 5-स्टार होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। भव्य ताज लेक पैलेस को काले और सफ़ेद संगमरमर के सजावटी पत्थर और अर्ध कीमती पत्थरों के साथ बनाया गया है, जो दीवारों और नखों को सजाते हैं। इसके अलावा महल में विशाल फव्वारे, स्तंभ, विशाल आंगन, खुले मैदान और आकर्षक मैदान हैं। यह अमीर और शाही प्राचीन फर्नीचर और उच्च मेहराब भित्ति चित्रों और सन ग्लास खिड़कियों के साथ सुंदर कमरे से सुसज्जित है। ताज लेक पैलेस में 66 से अधिक लग्जरी स्वीट्स हैं, जो विशेष रूप से अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक डिज़ाइन के साथ तैयार किए गए हैं, जो महल को मूल रॉयल्टी की पुरानी विश्व आकर्षक और प्राथमिकता को बरकरार रखते हैं। हनीमून जोड़े और युवा रोमांटिक जोड़ों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय होटल के ये स्वीट्स खिड़की के बाहर पिछोला झील के शानदार दृश्य प्रदान करते हैं। गहरे रंग के टीक फर्नीचर और अमीर रेशम के पर्दे और अलंकरण से सुसज्जित इनमें प्रत्येक कमरा आकार में अद्वितीय है और
खिड़की के बाहर लीली तालाब के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इन कमरों में दो अतिथि रह सकते हैं जिसका आरंभिक शुल्क जो है वो 19,500 रुपए से स्टार्ट होता है। लग्जरी रूम गार्डन व्यू से थोड़ा अपग्रेड है। इसमें बड़ी कांच की खिड़कियां के बाहर पिछोला झील के आकर्षक दृश्य हैं। कमरे की समग्र सुंदरता को जोड़ती है। इन कमरों में दो अतिथि रह सकते हैं जिनका आरंभिक मूल्य 23,500 से प्रारंभ होता है। ताज लेक पैलेस के अंदर पैलेस रूम लेक व्यू भी रूम्स अवेलेबल हैं और जो इसको लग्जरी लेक व्यू के सामान है जिसमें खूबसूरत प्रारंभिक सज्जा और अच्छी तरह से सजाया गया है। इसके बाहर झील का अद्भुत दृश्य है। अंतर केवल इतना है कि पैलेस रूम बड़ा है और इसमें अधिकतम 3 अतिथि ठहर सकते हैं। इसका मूल्य 28,500 से आरंभ होता है। महल में सर्वश्रेष्ठ स्वीट्स में से एक ग्रैंड स्वीट्स लग्जरी भव्य और रीगल भव्यता का प्रतीक है। ऊंची छत, विशाल मेहराब, अलंकृत कांच का काम और सुंदर लघु चित्रों के साथ यह स्वीट्स अन्य की तरह एक अनुभव प्रदान करता है। इसमें कुछ कमरों में जकूजी, रेन शावर्स और झूमर आदि और आकर्षित सजावट की गई है। ये स्वीट्स 3 मेहमानों के समायोजित कर सकते हैं और इसका जो शुल्क है वो 92,092,000 से प्रारंभ होता है। ग्रैंड स्वीट्स के बाद में ग्रैंड स्वीट्स बेडरूम लेक व्यू, यह ताज लेक पैलेस का एकल और सबसे भव्य स्वीट है। स्वीट में प्रदान की गई शानदार सेवा और उत्कृष्ट सुविधाओं के लिए कोई भी शब्द न्याय नहीं करेगा। यह वास्तव में एक जीवन भर का अनुभव है। शंभू प्रकाश स्वीट के नाम से मशहूर इस स्वीट का नाम महाराणा शंभू सिंह के नाम पर रखा गया है। स्वीट भी विस्तारित बालकनियों से सुसज्जित है और निकटवर्ती झील और आसपास के पहाड़ों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। जो स्वीट्स यूरोपियन डिज़ाइन के किया गया है, इसमें 3 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसका शुल्क जो है वो सबसे अधिकतम है। इसका 3,75,000 रुपये शुरुआती इसका शुल्क है। यदि आप ताज लेक पैलेस घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप साल के किसी भी समय ताज लेक पैलेस की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ताज लेक पैलेस के साथ साथ उदयपुर के अन्य पर्यटक स्थल स्तंभ का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दें कि उदयपुर घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का महीना होता है। सर्दियों का मौसम उदयपुर में यात्रा करना एक अनुकूल समय है क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र होते के कारण राजस्थान गर्मियों में बेहद गर्म होता है। इसी की वजह से गर्मी में मौसम में उदयपुर की यात्रा करने से बचना चाहिए। ताज लेक पैलेस जो है अपने आप में एक अनूठा पैलेस है जो कि पिछोला झील के बीच में स्थित है और यहाँ की जो साज सजावट है वो जो पर्यटक है उसको आकर्षित करती है।
ताज लेक पैलेस में जीवा स्पा, ताज लेक पैलेस का एक शानदार स्पा और मसाज पार्लर है जो आपके शरीर को फिर से जीवित करके और आराम करने के लिए सही मालिश और स्पा प्रदान करता है। इसमें भारतीय उपचार और स्पा के भोग और कई प्रकार के एक्सोफॉलिक बॉडी रेसिप और स्क्रब भी हैं। पार्लर भारतीय एरोमाथेरेपी और सौंदर्य उपचार आदि भी प्रदान करता है। ये है मयूर महल। ये भी अपने आप में एक अनूठा और नायाब एक महल है। यहाँ पे राजा महाराजाओं की पेंटिंग्स लगी हुई है और आप इस रूम का भरपूर आनंद ले सकते हैं। ताज लेक पैलेस जो है मुख्यतः फॉरनर्स की और हनीमून कपल्स के लिए जो है उनका फेवरेट पॉइंट रहता है, क्योंकि यहाँ एक अलग ही एहसास होता है जब आप पानी के बीच में होते हैं। ताज लेक पैलेस में आपको आने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ता है, जो कि शाही बोट के थ्रू आपको ताज लेक पैलेस के अंदर ले जाया जाता है। और अंदर का अद्भुत नज़ारा जो है वो आप देख ही रहे होंगे वीडियो के अंदर। तो कुछ इस तरह से जो है वो ताज लेक पैलेस की बनावट और सुंदरता है। हमने कोशिश किया है कि आपको हर तरीके से, हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की गई है। ये देखिए, इस प्रकार से जो है वो हर कमरे में शीशे लगे हुए हैं और लेक का व्यू जो है वो अपने आप में एक अद्भुत ही नज़ारा है। और अतिथियों के लिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी रखे गए हैं। और आप देखिए, ये रूम एक नज़र में भाने वाले रूम है। उसी हिसाब से इनका कॉस्ट भी रखा गया है, जितनी ज़्यादा फैसिलिटी उतना ज़्यादा चार्ज। दीवारों पर भी चित्रकारी और कुंदन मीना का जो है वो कारीगरी की गई है। यह है, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का बाथरूम। जिसके अंदर शानदार मिरर और उसको भी एक यूनिक तरीके से जो है वो बनाया गया है।
रूम में आपके बाथरूम के अंदर जगूजी की भी व्यवस्था है। और कुछ इस तरह से जो है वो बाहर से इसका व्यू नज़र आता है। बोट्स के अंदर जो है वो रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, तो आप चाहें तो बोट के अंदर जाकर भी उस रेस्टोरेंट का आनंद ले सकते हैं। बाहर से कुछ इस तरह से पेड़ पौधे और सुसज्जित जो है वो स्विमिंग पूल इसके अंदर है, जिसका आप एक प्राकृतिक रूप से जो है वो इसको फील कर सकते हैं। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि पानी के बीच में इस तरह की भी जो है कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसके बाहर भी पानी और अंदर स्विमिंग पूल में भी पानी। स्विमिंग पूल के साथ आप सन बाथ का भी आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। ताज पैलेस होटल में कोई अन्य जगह की तरह स्वागत है। जैसे ही मेहरबान उतरते हैं, उन्हें गुलाब की पंखड़ियों की बौछार और जलपान के लिए मिश्रित नमकीन का एक प्लेट भेंट किया जाता है। यहाँ पे कुछ शॉप्स भी जो है वो आप परचेजिंग के लिए बनाई गई है, जहाँ पे आप मूलतः पेंटिंग्स, ज्वेलरी, अपना ट्रेडिशनल जो आपके गारमेंट्स हैं वो आप यहाँ से जो है वो ख़रीद सकते हैं। ताज पैलेस होटल भी शिक्षाप्रद और सूचनात्मक विरासत प्रदान करता है। मेहमानों के लिए और स्वयं सेवकों की समृद्ध इतिहास और राजस्थान के अतीत की जीवंत परंपरा के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। जैसा कि हमने बताया कि ताज लेक पैलेस में मेहमानों के लिए एक प्राचीन और रीगल नाव का भी प्रावधान है, जो झील में स्थापित है। यहाँ शाही महाराज शैली में नाव पर नियमित डिनर पार्टी की मेज़बानों की जाती है और कुल 14 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा क्रूज पर कॉकटेल और पे का आनंद के लिए आप 30 लोग शामिल हो सकते हैं। ये देखिए, ताज लेक पैलेस से हम यदि बाहर का व्यू देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो है हमें दिखता है सिटी पैलेस और बाकी जो पैलेसेस हैं वो आपको बाहर इस तरह से दिखाई देते हैं। और ये है इनका रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप लजीज और
बेमिसाल स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको वेज और नॉन वेज दोनों ही वैरायटी आपको मिलेगी। महल मेहमानों के लिए एक निजी सर्वेंट का विकल्प भी प्रदान करता है, जो व्यक्तिगत महल मेहमानों को सौंपा जाता है और उन्हें राजकुमार की तरह महसूस कराने के लिए जिम्मेदार होता है। आपको और आपकी ओर से एक निजी पैलेस नौकर के साथ आपका प्रवास आपकी सोच से निश्चित रूप से एक कदम अच्छा होगा। झरोखा एक बहुत ही व्यंजन रेस्टोरेंट है जो दुनिया भर के व्यंजनों से भोजन परोसता है। आपको बता दे, रेस्टोरेंट में सीजन्स बार नामक एक छोटा सा बार है जो इस क्षेत्र के कुछ सर्वश्रेष्ठ एकल माल्ट विस्की को पर्यटकों के लिए पेश करता है। यह सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक खुला रहता है। भैरो एक मौसमी रेस्टोरेंट है जो झील के भव्य दृश्यों के साथ अद्भुत यूरोपियन भोजन प्रदान करता है, जो केवल अक्टूबर से मार्च तक खुला रहता है। भैरो का समय केवल रात के खाने के लिए है, यानी शाम के 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। नील कमल रेस्टोरेंट पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों में से माहिर है और यह उत्तर पश्चिम सीमा से है। नील कमल रेस्टोरेंट केवल शाम को 7:30 से 10:30 बजे तक खाने के लिए खुलता है और यहाँ पर 2 व्यक्तियों के लिए मूल्य जो है वो 7,000 रुपये प्लस टैक्सेस जो है वो अवेलेबल है। तो खाने की यहाँ पे बेहतरीन वैरायटी जो है आपको मिल जाएगी। सुबह का जो बूफे है वो कुछ इस तरह से लगाया जाता है, जिसके अंदर आप ब्रेकफास्ट का भरपूर आनंद जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उदयपुर यदि आप विजिट कर रहे हैं तो उदयपुर के लिए प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। यहाँ पे सबसे पर्यटक स्थल के अंदर बड़ा महल, सिटी पैलेस, बागोर की हवेली, सहेलियों की बाड़ी, चित्तौड़गढ़ किला,
कुंभलगढ़ किला और हल्दी घाटी है। उदयपुर के प्रमुख धार्मिक स्थल और मंदिर के अंदर एक लिंगी मंदिर, जगदीश मंदिर, नीमच माता मंदिर और सहस्त्र बाहु या सास बहु मंदिर जो है वो स्थित है। उदयपुर की जो प्रसिद्ध झीलें हैं उसमें सबसे पहले जो प्रसिद्ध है वो है पिछोला झील, फतेह सागर झील, दूध तलाई झील, उदय सागर झील, जय सम्मंद झील, बड़ी झील मीनार। इसीलिए इसे झीलों की नगरी भी जो है वो कहा जाता है। उदयपुर घूमने वाले आकर्षण जो स्थल हैं वो हैं जग मंदिर, अहर म्यूज़ियम, विंटेज कार, क्रिस्टल गैलरी, वेलकम म्यूज़ियम, वैक्स म्यूज़ियम, भारतीय लोक कला मंडल और म्यूज़ियम, गुलाब बाग और चिड़ियाघर, सुखाड़िया सर्कल, शिल्प ग्राम, महाराणा प्रताप स्मारक, ताज लेक पैलेस। तो गाइस वीडियो को करते हैं ये ख़त्म। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर और सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।